हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक और सवाल जो पाइथन में अक्सर पूछा जाता है कि जब आप प्रिंट लिखते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा और प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई चीज डबल डॉटेड कॉमा में लिखते हैं। अब ये तो आपको पता ही है कि डबल डॉटेड कॉमा में जो चीज लिखी जाती है वो ज्यों की त्यों प्रिंट हो जाती है, ठीक है। लेकिन सवाल इसमें और भी है कि यहाँ पर कई बार आप लिखते हैं एंड इज इक्वल टू और डबल डॉटेड कॉमा ओपन करते हैं फिर क्लोज करते हैं, तो ये क्यों लिखा जाता है, ये डबल डॉटेड कॉमा ओपन और क्लोज करने के पीछे का रीजन क्या है और यहां पर बीच में एक कॉमा भी लगा दिया जाता है इस तरीके से, तो आखिरकार ये क्यों लिखा जाता है, इसके पीछे का क्या रीजन है, इसके पीछे का रीजन आज हम बात करेंगे। तो चलिए एक नया पेज लेते हैं, उस पर हम काम करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आए, अब देखिए यहां पर अगर मैं प्रिंट लिखता हूं, सिंपली प्रिंट लिखा और यहां पर मैं लिख देता हूं हेलो, ठीक है। और जैसे ही हेलो लिखेंगे और इसको बंद करेंगे तो यहां पर होगा क्या कि यहां पर ये हेलो प्रिंट हो जाएगा। जब इसको चलाएंगे F5 किया, इसको सेव करेंगे किसी भी नाम से, तो मैं यहां पर SK नाम से सेव करता हूं, .py लगा करके एंटर करेंगे और ये सेव हो जाएगा और यहां देखिए हेलो प्रिंट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या तो तब आती है जब आप एंड लिखते हैं यहां पर। अब एंड किस तरीके से, तो देखिए यहां पर आप क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं और डबल डॉटेड कॉमा में यहां पर एंड लिखते हैं इस तरीके से। यहां पर आप कॉमा लगाते हैं और यहां पर लिखते हैं एंड इस तरीके से, और यहां पर क्या करते हैं एक बार आप इक्वल टू लगाते हैं और डबल डॉटेड कॉमा ओपन करते हैं, फिर यहां डबल डॉटेड कॉमा क्लोज करते हैं, फिर इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये क्यों लिखा जाता है, और साथ ही इसमें बीच में एक कॉमा भी आप लगा देते हैं कभी कभी, तो ये इस तरीके से कर दिया। अब ये क्यों लिखा गया, ये इसलिए लिखा जाता है, और ये दो बार ब्रैकेट क्लोज नहीं रहेगा, एक ही बार रहेगा, ये इसलिए लिखा जाता है ताकि हम कोई चीज एक ही लाइन में मल्टीपल चीजें प्रिंट करानी हो तो ऐसा लिखा जाता है। अब देखिए अब यहां पर अगर हम एंटर करके नीचे आते हैं और यहां फिर प्रिंट लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं फिर डबल डॉटेड कॉमा में लिखता हूं भारत, BHARAT, तो ये लिख दिया हेलो भारत, ये लिख दिया। और फिर यहां पर क्या करेंगे, हेलो भारत लिखने के बाद, हेलो भारत लिखने के बाद हम इसको क्लोज करेंगे। अब जैसे यहां पर अब कुछ नहीं लिखना है तो इसे क्लोज कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ और भी लिखना हो तो यहाँ कॉमा लगा करके फिर वही एंड लिखिएगा, फिर इज इक्वल टू लगाइएगा, फिर डबल डॉटेड कॉमा ओपन, फिर क्लोज करिएगा, फिर बंद करिएगा, फिर यहां पर कोई और चीज लिखनी है, एक ही लाइन में ये प्रिंट होंगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां क्या करते हैं, अब इंडिया कर देते हैं, ठीक है, तो ये इंडिया कर दिया। फिर यहाँ पे एंड लिखेंगे और एंड लिख करके डबल डॉटेड कॉमा ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे डबल डॉटेड कॉमा को क्लोज करेंगे, फिर इसको क्लोज करेंगे। तो ये चीज तभी लिखी जाती है जब आपको एक ही लाइन में कई चीजें प्रिंट करानी हो। अब देखिए कैसे, यहां पर इसको मैं चलाता हूं और देखिए रिजल्ट, तो ये देखिए हेलो भारत इंडिया ये सब एक ही लाइन में आ रहा है, ठीक है, और बीच में जो कॉमा दिया था वो यहां पे आ रहा है, देख सकते हैं। तो जब भी कोई ये पूछे कि एंड क्यों लिखा जाता है, तो देखिए एंड तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे गैप देना हुआ तो उसके वजह से भी, लेकिन ये समझिए कि एंड इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हम एक ही लाइन में मल्टीपल चीजें प्रिंट कराना चाहते हैं, इसीलिए एंड लिखा जाता है, ठीक है।